नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में आज बहुत ही बड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिली। अगर बात करें प्रीवियस क्लोज और उसके ऊपर जब स्टॉक ओपन हुआ, वहां से अगर हम देखें तो नीचे तक हमें गिरावट देखने को मिली, 15% की गिरावट, जो कि काफ़ी बड़ी गिरावट आप कह सकते हैं। और स्टॉक ने आपके लिए लास्ट मोमेंट पर भी लगभग 10% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है यहाँ पर। तो अब इस स्टॉक का क्या होने वाला है और क्या आइडिया में निवेश करे रहना चाहिए या फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए दोस्तों, तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों देखिए, वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बुरी खबर आई वो तो शायद से आपने सुनी रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो AGR के ऊपर सुनवाई के लिए दोबारा से रिकैलकुलेशन के लिए मना कर दिया है, साफ इनकार कर दिया। और उसी वजह से इस चीज़ का सीधा सीधा असर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पे आता हुआ दिखा है। और देखें तो एयरटेल पे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वोडाफोन आइडिया पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वोडाफोन ऑलरेडी आपको सिर्फ न्यूज के बेसिस पे ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी फंड रेजिंग की न्यूज आती है तो भाग जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोर्ट से कहीं से भी इन्हें सहूलियत मिल जाती है कि आप फंड रेज कर सकते हैं तो ये भाग जाता है, और जैसे ही एक बुरी खबर आती है स्टॉक सीधा नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये चीज़ दोस्तों काफ़ी टाइम से आपके लिए बता रखी है कि ये टोटल न्यूज बेसिस पे चलेगा, और कभी भी आपके लिए 9% की तेज़ी तो कभी भी आपके लिए 9% की बड़ी गिरावट। लेकिन अगर देखें तो अपना एक स्ट्रांग सपोर्ट जो 8 रुपये का लेवल बना रखा है, वहाँ से अभी तक आपको नीचे की गिरावट या फिर देखें तो 8 रुपये के लेवल को अभी टच नहीं किया है। काफ़ी लंबे वक्त से अगर आप एक महीने में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी देखें तो आपको 8 रुपये का लेवल काफ़ी लंबे वक्त से नहीं अचीव होते हुए दिखा देख सकते हैं पिछले 6 महीने के अंदर अंदर। तो सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर यही देखने को मिल रही है। बाकी अगर बात करें स्टॉक में बने रहने या फिर ना, तो देखें सीरियस बात है, बिल्कुल सिंपल और साफ शब्दों में कि ये टोटल फंड रेजिंग की वजह से ही रुका हुआ है, और फंड रेजिंग की उम्मीदों के कारण ही आपको स्टॉक 8 रुपये के लेवल पे जाते हुए नहीं दिख रहा है। और ये फंड रेजिंग की जैसी न्यूज आती है तो ये जो गिरावट है पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, सीधा स्टॉक अपर सर्किट में भी पहुंच जाएगा। लेकिन फंड रेज हो जाए, क्लियर कंपनी के द्वारा अनाउंस हो जाए, NSE और BSE के लिए ऑफिशियल इसका जानकारी मिल जाए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। देखिए, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपसे कहा तेज़ी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल आएगी तेज़ी या सोमवार को ही आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, जब तक फंड रेजिंग की न्यूज़ क्लियर नहीं हो जाती, आपको यहाँ बहुत बड़ी कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। शेयर इसी तरह से आपके लिए छोटी मोटी न्यूज पे कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। देखिए, आप हो सकता है कि आपको शायद ये चीज़ें बुरी भी लगती हों या फिर अच्छी भी लगती हों, वो आपकी अपनी मनसा है, आपका अपना मन है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है सुनना। लेकिन यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो एक रियलिटी है, कोई आपके लिए चीज़ें सुना नहीं रहे, बता नहीं रहे, सिंपल बात रियलिटी है यहाँ पे। और इस गिरावट में भी बहुत से लोग पैसा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ निकाल रहे हैं, लगा भी रहे हैं, लेकिन पेनी स्टॉक्स में उतना ही पैसा लगाइए दोस्तों जितना आप गंवाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये रिस्क से भरी हुई दुनिया है और स्टॉक मार्केट तो रिस्क की सबसे बड़ी दुनिया है। अगर आप थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेना चाहते तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। और अगर आ गए हैं दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी टिप्स और न्यूज़ मिलती रहती हैं टाइम टाइम पर।